हेलो एंड वेलकम टू द स्ट्रेट लाइन. आई एम पल्लवी सरीन और इस वक्त मेरे साथ है हंट विद सौजन्य शो पर सौजन्य शेखर. पहली बात, हर बार जब भी मेरे साथ कुछ भी कोई भी इंटरव्यू जो कुछ भी होता है, माइक हर बार मेरे साथ वाले के हाथ में होता है. आज मैं माइक पकड़ूंगा और मैं सवाल पूछूंगा. तो फिर हमारा टॉपिक आज का होगा कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग तबाही मचा रहे हैं, तो फिर और जो मतलब मूवीज़ जो सबसे ज़्यादा फेवरेट लोगों की चल रही है मार्वल की मूवीज़. सबसे पहले मैं आपका सवाल, प्यूडीपाई और टी सीरीज. प्यूडीपाई डेफिनेटली. मार्वल डीसी. डीसी एक्चुअली मूवीज़ के मामले में मार्वल, लेकिन कॉमिक्स तो डीसी. ओके. और तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे तो जो चल रहा है, मतलब क्या है ये जेसीबी की खुदाई, मतलब ये क्या चीज़ है? आपके बारे में कुछ क्या बोलोगे आप इसके बारे में? यार मैंने भी देखा है कि जहाँ पर भी देखो जेसीबी की मीम्स बन रही है, जेसीबी खुदाई के ऊपर वीडियोस बन रही है. लोग मूवीज देखना जाने से बेटर है जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं. एंड जहाँ देखो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह वीडियोज डाल रहे हैं. तो मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई थी कि ये जेसीबी की खुदाई आखिर है क्या. मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस मामले में, बिकॉज हूँ तो क्यूरियस. ट्विटर पे जाकर मुझे पता चला कि एक शख्स अपनी शादी में घोड़ी के ऊपर आने की जगह जेसीबी के ऊपर आया. एंड इस वजह से ये जो जेसीबी है उसकी तो मुफ्त की प्रमोशन हो रही है. आई मीन और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन जेसीबी इज़ पॉपुलर. मतलब मैंने बड़े जितने भी रोस्ट देखे हैं यूट्यूब पे जेसीबी के, मतलब लोग तो फ्रांस में, स्पेन में, हर जगह जेसीबी की खुदाई इन फ्रांस, जेसीबी की खुदाई इन यूएसए. मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा ये दुनिया को हो क्या गया जेसीबी की खुदाई पे. मतलब इतना पुराना ब्रांड है और अब जाके इसकी खुदाई को देख रहे हैं लोग. अवेंजर्स एंड गेम नहीं देख रहे, सिर्फ जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मार्वल में आपका फेवरेट फैक्शन कौन सा है? एक्समैन. एक्चुअली लोगों को लगता है कि अवेंजर्स इज रियली पॉपुलर, तो सबका फेवरेट अवेंजर्स ही होगा, लेकिन मुझे एक्समैन ज़्यादा पसंद है. मैंने भी एक्समैन की बहुत कैरेक्टर्स का नाम सुना है, बहुत मूवीज़ का नाम भी सुना है, लेकिन मेरा फेवरेट अवेंजर्स है. तो आपका फेवरेट सुपर हीरो? मेरा फेवरेट सुपर हीरो इज फ्रॉम द डिफेंडर्स. एक्चुअली मुझे डेयरडेविल ज़्यादा पसंद है. तो फेवरेट, तो आपका एक्समैन में से कौन सा फेवरेट सुपर हीरो है? वुल्वरिन. एंटी हीरो? एंटी हीरो में मार्वल से मुझे पसंद है डेडपूल, बिकॉज ही इज फनी, बहुत ज़्यादा हिलेरियस है. उसकी मूवीज देखकर यू विल डाई लाफिंग. तो मतलब और आपका फेवरेट सबसे फनी कैरेक्टर मार्वल एवेंजर्स की फैक्शन में से, एवेंजर्स या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी? रॉकेट रकून. मेरा भी. तो एवेंजर्स एंड गेम सोचा ने आपने देखी? हाँ देख ली. फेवरेट सीन कौन सा था एंड ऐसा क्या है एवेंजर एंड गेम में जो एवेंजर्स की और किसी मूवी में नहीं है? जब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका हाथ मिलाते हैं सिविल वॉर के बाद पहली बार, और जब डॉक्टर शेन सॉसरी से अब पोर्टल खोल के वापिस आते हैं सारे एवेंजर्स को लेके. यार सुजन ने आपने देखा होगा कि इंडिया में मार्वल इतना फेमस नहीं है, डीसी इतना फेमस नहीं है. लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये मार्वल है क्या, लेकिन अवेंजर एंड गेम का हर एक शो हाउसफुल, मॉर्निंग शोज भी हाउसफुल. जिन लोगों ने कभी मतलब कैप्टन अमेरिका का नाम भी नहीं सुना होगा वो भी जाके अवेंजर्स एंड गेम देख रहे हैं. तो आपने देखी एवेंजर्स एंड गेम? एंड टिकट्स बुक हो गई थी? टिकट्स तो बुक हो गई थी, लेकिन सेकंड डे की. तो फिर सबसे पहले तो फर्स्ट डे जब निकला, मैं नो इंटरनेट नो स्पॉयलर्स. तो फिर मतलब स्पॉयलर सबसे बुरी चीज़ लगती है मेरे को, स्पॉयलर्स. माना कि हमको स्पॉयलर्स देने में मज़ा आता है, लेकिन जब हमको कोई मूवी का स्पॉयलर देना बहुत गुस्सा चढ़ता है. तो क्या कहेंगे उन सभी लोगों से जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सारे स्पॉयलर्स डाल देते हैं, हमारा पूरा मज़ा ख़राब कर देते हैं? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, डोंट स्पॉयल द एंड गेम. एंड अब एंड गेम तो मूवी ख़त्म हो चुकी है. यार मार्वल के इतने फैंस नहीं है इंडिया में जब जो अब बन रहे हैं. तुम देखोगा यार, तुम तो इतने छोटे से हो एंड तुम्हें भी मार्वल यूनिवर्स के बारे में इतना कुछ पता है. तो इंडिया में तुम्हें क्या लगता है कि छोटा भीम को ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए या ये मार्वल डीसी का जो क्रेज़ बढ़ रहा है ये बेटर है? मतलब ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा फेमस है स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन.
जबकि तीनों अलग अलग, बैटमैन और सुपरमैन अलग कंपनी से, स्पाइडरमैन अलग कंपनी से, स्पाइडरमैन मार्वल का है और डीसी के बैटमैन एंड सुपरमैन, जबकि फेमस ज़्यादा बैटमैन एंड सुपरमैन है, जबकि ज़्यादा अच्छी मूवीज़ कौन बनाता है? मार्वल। फिर भी लोग तो अपने से ही, लोगों को अपने से ही हो रहा है कि एंड गेम रिलीज होगी हम देखेंगे, जब बिना इन्फिनिटी वॉर देख के। मतलब मेरे भाई को इतनी समझ नहीं आई कि जो वहाँ पे वॉरमेर पे जो था वो कौन था, रेड स्कल था, लेकिन वो पहुँचा कैसे, वो इन्फिनिटी वॉर में ही पता लगा। मेरे भाई को कुछ समझ नहीं आई इन्फिनिटी वॉर जैसे, मतलब ऑलमोस्ट। तो फिर सबसे पहला इंट्रोडक्शन हुआ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में सारे स्टोन्स का। तो फिर वो सीन मैंने देखा, तभी मेरे को पता लगा कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है। तो फिर ऐसे में 5 ही सोचता था कि सोल स्टोन भी है। तो फिर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, मार्वल डीसी या ऐसे ही दोनों में से कोई भी? फेवरेट मूवी, मेरी फेवरेट मूवी आई थिंक अवेंजर इन्फिनिटी वॉर्स, बिकॉज उसकी एंडिंग में आई वॉज रियली सरप्राइज। ऐसा कभी इंडियन मूवीज में नहीं होता ना, बॉलीवुड मूवीज में, कि द विलन विंस, ऐसा कभी नहीं होता। बॉलीवुड मूवी में अगर ऐसा हो भी जाए बहुत तो लोग कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर वो थोड़ी और एक्सटेंड कर देंगे, वो 2.5 घंटे से 3 घंटे की हो जाएगी, लेकिन एंड में जीतेगा कौन? हीरो। लेकिन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स, द विलन विंस एंड मूवी ओवर, हम सबको घर जाना है, 1 साल वेट करना नेक्स्ट मूवी का, विद द थिंग इन आर हेड कि यार विलन जीत गया। तो दैट वॉज रियली सरप्राइजिंग, इसलिए मेरी फेवरेट मूवी है। तो मेरी फेवरेट मूवी भी आफ्टर एंड गेम, मेरी फेवरेट मूवी भी इन्फिनिटी वॉर है। और सबसे ज़्यादा इमोशनल मूवी कौन सी लगती है आपको मार्वल की? आई थिंक विंटर सोल्जर। मैं बहुत डीप लेवल पे बकी के साथ रिलेट करती हूँ। द एंटायर सीन वेंट बाय जब कैप्टन अमेरिका एंड बकी हैव अ कॉन्वर्सेशन, मुझे सीरियसली द विंटर सोल्जर बहुत अच्छी मूवी लगी थी। हालांकि मुझे कैप्टन अमेरिका इतना पसंद नहीं है, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, मेरा लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका, बट बाकी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो विंटर सोल्जर क्यों? विंटर सोल्जर बस, मतलब बाकी सभी मूवीज़ में कैरेक्टर के इतनी डेवलपमेंट नहीं है। मार्वल मूवीज़ में मैं कहती हूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है एक्समैन की मूवीज़ में या फिर डिफेंडर के शोज़ में, लेकिन ये जो अवेंजर्स की मूवीज़ है उसमें इतनी कैरेक्टर डेवलपमेंट मैंने देखी नहीं है। खाली लास्ट की मूवी में थॉर की थोड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखी, उसके अलावा बाकी सभी शोज़ में अपेरेंस चेंज हो जाएगी, बात करने का तरीका भी वही रहेगा, मेंटल लेवल भी वही रहेगा, लेकिन जितना बड़ा शिफ्ट विंटर सोल्जर में था, मुझे कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा लगाव हुआ उस मूवी में, एंड बकी तो वॉज बिकेम माई फेवरेट पॉइंट आपकी बात में। लेकिन तो फिर सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका, जो मतलब मार्वल डीसी सब कुछ सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा यार एक फेवरेट कैसे चूज़ कर से, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, बट सिर्फ एक मैं ये कर सकती हूँ, सब फैक्शंस में से एक चूज़ कर सकती हूँ। चलो ठीक है, तो डीसी यूनिवर्स में से आई लव बैटमैन, ऑब्वियस रीजंस, किसको बैटमैन नहीं पसंद है। अवेंजर्स में से आई रियली लाइक ब्लैक विडो, बिकॉज एक फीमेल कैरेक्टर जो हु रियली शाइन्स कैप्टन मार्वल के अलावा, दैट इज़ ब्लैक विडो। सभी मूवीज़ में उसने अपनी छाप छोड़ी हुई है। एंड डिफेंडर्स में लाइक आई सेड डेयर डेविल मेरा फेवरेट है, एंड एक्समैन में वुल्वरीन। इनह्यूमंस आई रेड द कॉमिक्स, में टीवी शो भी देखने का मेरा मन था, लेकिन उसे स्टार्ट करने के बाद आई काइंड ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट, तो फिर उसमें से मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर इतना है नहीं। आई वंडर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बोला। हाँ दैट, वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज में इवन दो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एंड कॉमिक्स की तरफ से देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट कैरेक्टर, बट मैं किसी तरह से ना हमेशा बेनेडिक्ट कम्बरबैच को शर्लॉक के नज़रिए से देखती आई हूँ उसकी टीवी शो की वजह से। तो इवन दो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत अच्छा किया, लेकिन आई कुडंट रियली मेक हिम माई फेवरेट नहीं बन सका। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में उसने बहुत अच्छी अपीयरेंस की। तो फिर थॉर रैग्नारॉक में भी था, इन्फिनिटी वॉर एंड गेम, मतलब 4 मूवियाँ लगातार, और वो भी मार्वल की मूवीज़। मार्वल की मूवीज़ में रोल बड़ी मुश्किल से मिलता है। हैट्स ऑफ टू स्टैनली। यार स्टैनली के बारे में बात करें तो कितना दुख हुआ व्हेन यू फाउंड आउट दैट स्टैनली इज नो मोर। बहुत। तो जब अवेंजर एंड गेम में पोस्ट क्रेडिट सीन्स का वेट कर रहा होगा सौजन्या, राइट? यस। कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, लेकिन जो ऑटोग्राफ्स आए
से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मूवी डाउनलोड करके उनका स्क्रीनशॉट लिया ऑटोग्राफ का। मूवी तो थिएटर में ही देखी थी ना, क्योंकि लोग बोलेंगे कि पायरेटेड मूवीज देखता है सौजन्य। मैंने मूवी थिएटर में देखी थी सेकंड डे, और वो भी बहुत मुश्किल से टिकट मिली। मैं और मेरा भाई गया था, हमारे पास उल्टा 2 टिकट एक्स्ट्रा पड़ गई थी, जबकि इतनी मुश्किल से टिकट मिली और 2 टिकट एक्स्ट्रा। तो उन 2 एक्स्ट्रा टिकट्स का क्या किया फिर? एक अपने क्लासमेट को लेके चला गया और मेरा भाई अपने फ्रेंड को लेके चला गया। चलो, दोनों मार्वल के ही फैंस थे ना, तो तसल्ली होगी दिल में कि ये टिकट्स आर टू गुड यूज। मैं और मेरा फ्रेंड मार्वल के फैन थे, उन दोनों को कुछ हद पता नहीं। यार आई डोंट अंडरस्टैंड कि मार्वल की कितनी सारी मूवीज है, अगर आपने पिछली 25 मूवीज एटलीस्ट नहीं देखी होंगी तो तुम्हें एवेंजर एंड गेम्स के वो जो लिटिल मूवमेंट्स हैं वो कुछ समझ नहीं आएंगे। तो तुमने पिछली सारी मूवीज देखी है मार्वल की? सारी। एंड जो तुम्हारे भाई हैं उन्होंने तो नहीं देखी होंगी? उसने सिर्फ एक ही मूवी देखी थी, तो इन्फिनिटी वॉर। क्या कहोगे जो पिछली कोई मूवी तो नहीं देखती है, लेकिन जब हाइप होती है एंड ट्विटर पे लोग एवेंजर एंड गेम के बारे में ट्वीट कर रहे होते हैं तो वो भी कहते हैं कि चलो यार हम भी मूवी देखने चलते हैं चाहे कुछ समझ आए ना आए। ये वो लोग होते हैं जो पैसे खर्च करते हैं सिर्फ पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और उसके बाद स्पॉइलर्स भी वही देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है यार कि एक इंसान के लिए, एक मार्वल फैन के लिए कितनी बड़ी बात है कि इतना टाइम वेट करने के बाद, 25 मूवीज देखने के बाद वेट कर रहा कि अवेंजर्स एंड गेम फाइनल मूवी और स्टैनली इज नो मोर, तो कितनी बड़ी हाइप थी एंड मार्वल फैंस वर डाइंग टू सी द मूवी। उसके बाद जो मार्वल फैन ही नहीं है उनको वो एंटिसिपेशन कैसे पता होगा कि यार इस बंदे ने तो इतने साल वेट किए इस मूवी के लिए, वो तो स्पॉइलर दे देते हैं। एंड ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट्स नहीं मिल पाती हैं। और सबसे पहली सबसे लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने कैप्टन मार्वल और अवेंजर्स एंड गेम मूवी किस लिए देखी? पहली बात कैप्टन मार्वल, कैप्टन मार्वल को देख उसकी सुपर पावर्स देखने के लिए, या इसलिए निक फ्यूरी को आई पैच कैसे लगा इसलिए? एक्चुअली जब मैंने कैप्टन मार्वल का ट्रेलर देखा था तो आई वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस, मुझे लगा था यार दिस मूवी कुड नॉट बी दैट गुड, लेकिन क्यूरियोसिटी यही थी कि यार निक फ्यूरी का आई पैच, आई थॉट कि हाँ एवेंजर एंड गेम देखने के लिए कैप्टन मार्वल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेन जो सोर्स ऑफ क्यूरियोसिटी है वो ये था यार निक फ्यूरी का वो आई पैच किस लिए है। जबकि मैं भी सोच रहा था कि बहुत बड़ा रीज़न होगा, वॉर में कुछ हुआ होगा, किसी ने स्पाई स्नाइपर से आंख में गोली मारी होगी, लेकिन लास्ट डोंट टेल इट स्पॉयलर्स फॉर दोज हु हैवंट वॉच्ड इट। लेकिन लास्ट में हुआ क्या, सिंपल सी। तो फिर एंड गेम आपने क्यों देखी? ये देखने के लिए कि थैनोस कैसे मरा, या एंटमैन क्वांटम रेल्म से बाहर कैसे निकला? एक्चुअली मैंने एंड गेम इसलिए देखी बिकॉज आई वॉज श्योर कि एक ना एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो मरने वाला है। मैं भी श्योर था एंड मैं चाहती थी कि मैं स्पॉयलर्स मिलने से पहले देख लूँ कि यार एक्चुअल में कौन होता है। बट एंटमैन 2 जो मैंने देखी थी एंड पोस्टेड सीन में दे वेंट इनटू द क्वांटम रियल, मुझे पक्का श्योर था कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा आने वाली एवेंजर मूवी से। तो एवेंजर्स एंड गेम में आपको मेन हीरो कौन लगता है? मेन हीरो फाइनल एक्चुअल में यार सीरियसली जो मेरा लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर था कैप्टन अमेरिका, जो पूरे मार्वल सीरीज में मेरा लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर रहा है, एंड में एंड गेम में ही बिकम्स द मेन हीरो। तुम्हें भी पता होगा वो लास्ट सीन में व्हेन दैट हैपेंस, स्पॉयलर्स नहीं दूंगी फॉर दोज पीपल जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने रियली रिडीम्ड हिमसेल्फ इन द लास्ट मूवी, रिस्पेक्ट। सो स्पॉयलर वार्निंग, मेरा फेवरेट था वो चूहा जिसने क्वांटम रेम टनल खोला। सो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन। सो तब तक ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।